विश्व हिंदू परिषद मध्य भारत के तत्वावधान में सीहोर जिले के आष्टा में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां लव जिहाद और धर्मांतरण को रोकने पर जोर देते हुए 6 महीने का रोड मैप तैयार हुआ। देखिए रिपोर्ट। सीहोर के आष्टा में विश्व हिंदू परिषद मध्य भारत के द्वारा स्थानीय मानस भवन में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रांत के पदाधिकारियों ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आगामी 6 महीनों का रोड मैप तैयार किया। शिविर के पहले दिन प्रांत के पदाधिकारियों ने बड़ी संख्या में मौजूद विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों को धर्मांतरण और लव जिहाद को रोकने सहित कई विषयों पर मार्गदर्शन दिया। आंधी हो तूफान हो, हमारे कार्यकर्ता उसकी चिंता नहीं करते। इसी के साथ साथ हमारे कार्यकर्ता स्लम्स में जो हमारी सेवा बस्ती है, उसमें अभी संस्कार शालाओं के माध्यम से वहाँ धर्मांतरण ना हो, इस कारण वहाँ पर हमारी नियमित आमद बनी रहे, तो रोजाना ऐसी संस्कार शालाएँ अभी हमने चालू की हैं। भोपाल में ऐसी 65 बस्तियों में हमारी ऐसी संस्कार शालाएँ नियमित रूप से चल रही हैं। फिर अपने समाज में धर्मांतरण ना हो, उसको रोकने का प्रयास भी हमारे कार्यकर्ता करते हैं। लव जिहाद की घटनाएँ ना हो, ऐसा प्रयास है, और अगर कहीं ऐसी घटना हो जाती है तो उसको वापिस लाने का, परिवार के साथ खड़े रहकर उनका संबल बनकर परिवार टूटे नहीं, ऐसा प्रयास भी हमारे कार्यकर्ता निरंतर करते हैं। तीसरा जो बड़ा काम हमारे कार्यकर्ता नियमित करते हैं, गौवंश तस्करी जो होती है उसको रोकने का प्रयास भी हमारे कार्यकर्ता करते हैं। कई बार 2-2 दिन तक पीछा करने के बाद उसको ट्रेस करते हैं और उसको पकड़कर जहाँ उचित स्थान है वहाँ पर भिजवाने का प्रयास भी करते हैं। उसमें कभी कभी तो कहीं पर सहयोग बड़ा अच्छा मिलता है, और कहीं पर ऐसी स्थिति भी आती है कि सहयोग ठीक से नहीं भी मिलता है। पर समाज से एक निवेदन करते हैं आप सबके माध्यम से कि अगर ऐसी कोई घटना होती है, गाय हमारी माता है ऐसा हमने माना है और हम सबके लिए पूज्य है, अगर ऐसी कहीं घटना घटती और हमारे कार्यकर्ता ऐसी कोई ऐसे कोई गौ तस्करी के ट्रक को पकड़ते हैं तो समाज भी हमारे सहयोग के लिए आगे आए और ऐसे गौ तस्करों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। समाज ही हमारी ताकत है, और अगर समाज हमारे साथ जुड़कर इन सब कामों में, लव जिहाद में, धर्मांतरण में, घर वापसी में, ऐसे सभी चीज़ों में समाज अगर हमारे साथ आगे बढ़कर आएगा तो मुझे लगता है कि हमारी भी ताकत बढ़ेगी और ये आने वाले समय में ये जितनी गतिविधियाँ हैं ये हम रोकने में सफल होंगे। लव जिहाद बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है, उसी गति से हमारे कार्यकर्ता भी बढ़ रहे हैं, कार्यकर्ताओं की ताकत हमारी बढ़ रही है, हमारे संगठन में नित्य नए कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं। अभी इस राम मंदिर अभियान में लाखों लाख नए कार्यकर्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने ज़मीन पर हम क्या करते हैं उन्होंने अनुभव किया है, उन्होंने इसलिए हमारे साथ नए कार्यकर्ता भी नित्य नए रोज जुड़ रहे हैं और वो भी इस काम में लग गए हैं। उनको भी लगता है कि हमारे परिवार की बेटी किसी विधर्मी के साथ क्यों जाए, हमारे किसी भी परिवार का धर्मांतरण क्यों, ऐसा एक विषय अब समाज में भी चर्चा का विषय बना है और चर्चा हो इस पर और समाज सक्रिय बने, कि आपके माध्यम से एक अपील पूरे समाज से करते हैं ऐसा। इस दौरान प्रेस वार्ता में KL शर्मा, प्रांत कार्य अध्यक्ष गोपाल जी राठी, प्रांत सेवा प्रमुख जितेंद्र जी चौहान, प्रांत प्रचार प्रसार मंत्री भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, सीहोर।